हेलो फ्रेंड्स, ब्लूम एजुकेशन यूट्यूब चैनल आपको स्वागत जनाऊँ। एहि भिडियोटी अखंड भारत विभाजन विषय ज्ञान प्रदान कर। विशेषकर आम जानवाजे भारत और पाकिस्तान रेखा किए टाणी विभाजन समय रे क्यों देशीय नेता माने उपस्थित थिले, उभय देश को कौन कौन दि जा परस्पर को केते परिमाण रे दि जा क्यों जिनिष पाकिस्तान निज सह नहीं जाता एपरी अनेक। चलंतु एही भिडियोटी आरंभ करिबा। 1947 मसिया फेब्रुवारी मासरे नूतन भाइसराय भावे नियुक्ति हेले लॉर्ड माउंटबेटन। तांको द्वारा 1947 मसिया जून मासरे रेड क्लिप को भारत पाकिस्तान विभाजन पाई नियुक्ति करा गला। ताहार परिणाम स्वरूप 40,000 टंका दिया जीव बोली स्थिर होइथिला। रेड क्लिप जने उकिल थिले, से केबे भारत आसी नथिले। अजणा स्थान रे स्वल्प समय मध्य भाग करिबा कष्टकर व्यापार थिला। तथापि जेउ प्रांत रे अधिक संख्यक मुस्लिम धर्मावलंबी थिबे सेही प्रांत रे मुसलमान माने रहिबे एवं अन्य स्थान रे अन्य धर्मावलंबी माने रहिबे बोली स्थिर करा गला। विभाजन पूर्वरु बेलुचिस्तान रे 91.8% लोक मुसलमान थिले एवं सिंध रे 72.7% लोक थिले मुसलमान, जहाँफल पश्चिम दिगरे सही दुई स्थान को पाकिस्तान को दिगला। से हीपरी पूर्व दिगरे पूर्वबंग को पाकिस्तान को दि जाइला, पश्चिम बंग को भारत को दिगला, जहार निष्पत्ति रेड क्लिप निजे नहीं। किसी छवि को देखिले अनुमान करा जाए रेड क्लिप द्वारा मनमुख्य भाव विभाजन होता, कारण गछ लागिथिला भारत रे, फल पड़ुथिला पाकिस्तान रे। जमीर मालिक भारत रे, जमी थिला पाकिस्तान रे। जमीर अर्धेक भारत रे, अर्धेक थिला पाकिस्तान रे। घर थिला भारत रे, ताला खुलुथिला पाकिस्तान रे। जहाँ भी हो एही विभाजन टी ग्रहण करा गला। वास्तव रे रेड क्लिप एही विभाजन पई मध्य बहुत भयभीत थिले, एते भयभीत थिले जे तांकर पाउणा 40,000 टंका मध्य भारत रे छाड़ी अगस्त 15 तारीख अर्धरात्रि रे पलायन करिथिले एवं आउ केबे भारत आसी नथिले। विभाजन समय रे आम देशीय नेतांको उपस्थिति 3 जून 1947 मसिया, एहा इतिहासर सही दिन जेबे भारतर 40 कोटी लोकंक स्वाधीनतार दिन भावे अगस्त 15 तारीख को निर्णय करा गला। ता सहित मोहम्मद अली जिन्नांक पाकिस्तान गठन करिवार स्वप्न मध्य पूरण होइतिला। भारत पाकिस्तान रो विभाजन पाई पखापाखि 73 दिन रो समय दिया जाइतिला, किंतु एही विभाजन एते भी सहज नथिला। देशर विभाजन, माटीर विभाजन, नईर विभाजन, भारत रे थिबा नगद टंकार विभाजन, एहा छोडा रिजर्व बैंक रे थिबा सुना ईटा कला कोतरा नोट सह भारत रे थिबा गोटिए गोटिए डाक टिकट रो विभाजन होबाकु थिला। एही विभाजन पई भारतीय दुई अनुभवी को मध्य चयन करा जाइतिला, जहाँ भितर जड़े थे एस एम पटेल, अन्य जड़े थे चौधरी मोहम्मद अली। एही दुई अधिकारी तले अनेक छोट बड़ अधिकारी थिले, जो मैंने अलग अलग स्थान रिपोर्ट तैयारी करी एही दुई अधिकारी निकट को पठाउथिले। सही रिपोर्ट आधार रे दुई अधिकारी विभाजन सिफारिश प्रस्तुत करुथिले, जहाँ को परे विभाजन परिषद पाख को पठा जाउथिला। लॉर्ड माउंटबेटन एही विभाजन परिसर अध्यक्ष मध्य थिले। विभाजन आरंभ होला प्रथम देशर नामरु। भारत नाम पई उभय पाकिस्तान और भारत भितर प्रथम टणा उटरा होता। से समय कांग्रेस एही बहुमूल्य संपत्तिर दाबी रखिथिला। असल रे भारतर नाम बदलाई हिंदुस्तान रखा को प्रस्ताव आसीथिबा बेले कांग्रेस एही प्रस्ताव को खारज कर देइथिला। कांग्रेस कहिथिला पाकिस्तान भारत को छाड़ी जाउछि, तेणु भारत नामर असल हकदार आमे ही अटु। ए क्षेत्र में पाकिस्तान को निराश होगा पड़ा। यही विभाजन बेले सबुठ बेसी तु तु मे मे होता पैसा को लेकिन झगड़ा एत बढ़ीगला जे एस एम पटेल और चौधरी मोहम्मद अली गोटे निष्पत्ति न पहुंचा जाए सरदार पटेल को घरे गोटे बखरार दुही को बंद कर दिगला। से जहाँ भी होनेक दिन सौदाबाजी पर दुईज यही निष्पत्ति ने भारतर बैंक टंका एवं इंग्रेज मानक मिलता टंकार 17.5% भाग पाकिस्तान को मिल। यह बदल पाकिस्तान भारत उपर ऋणर
17.5% ସୁଝିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏହାଛଡ଼ା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରୁ 80% ଭାଗ ଭାରତକୁ ଓ 20% ଭାଗ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର ଯାଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷର ଭାଗ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବିଭାଜନରେ 18,077 ମାଇଲ ଲମ୍ବ ସଡ଼କରୁ 4,913 ମାଇଲ ସଡ଼କ ଓ 26,421 ମାଇଲ ରେଳ ଲାଇନ୍ରୁ 7,112 ମାଇଲ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଭାରତର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିଲା। ଭାରତରେ ନୋଟ୍ ଛାପିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ପ୍ରେସ୍ ଥିଲା। ଭାରତ ଏଥିରୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭାରତୀୟ ନୋଟ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୋହର ମାରି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ କାମ ଚଳାଇଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ବିଭାଜନର ମାହୋଲ ଏତେ ଚରମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଯେ କିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁସଲମାନ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ତାଜମହଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାକିସ୍ତାନ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି କିଛି ହିନ୍ଦୁ ସାଧୁଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଯାହା କୂଳରେ ବସି ଅନେକ ବେଦପୁରାଣ ଲେଖାଯାଇଛି, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଭାରତରେ ରହିବା ଉଚିତ। ସବୁ ବିଭାଜନ ସହ ଭାରତୀୟ ସେନାର ମଧ୍ୟ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୁଦାୟ ସେନାର 3/2 ଯବାନ ଭାରତ ଭାଗରେ ଏବଂ 3/1 ଯବାନ ପାକିସ୍ତାନ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ବିଭାଜନର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ଭାରତର ଗୁପ୍ତଚର ବିଭାଗ। ଏହି ବିଭାଗର ଏକ ଫାଇଲ୍ ତ ଦୂରର କଥା, କାଳି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏହାର ଅଧିକାରୀମାନେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆମ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ 2 ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ଲୁମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।